एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। कूड़ा जलने से इलाके में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रशासन ने मामले को नजरअंदाज कर दिया। खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। मामला ग्रेटर नोएडा का है। एनजीटी ने साफ तौर पर यह मना किया है कि कूड़ा नहीं जलाया जाएगा खुले में, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है दिल्ली एनसीआर में। एनजीटी ने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं, लेकिन इन दिशा निर्देशों का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। खुले में कूड़ा जलाया जा रहा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ताहिर, ये कहां किस इलाके की घटना है ग्रेटर नोएडा में? बिल्कुल पूजा, आपको बता दिया, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर का मामला है, जहां पर जो है सूरजपुर कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी के पास में जो है कूड़े के ढेर में जो है आग लगाई जा रही है। पोल्यूशन विभाग को जानकारी होने के बावजूद भी पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे, ताकि जो बढ़ता हुआ गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली के आसपास का पॉल्यूशन है उसको जो है कम किया जा सके। हालांकि पॉल्यूशन विभाग की तरफ से लगातार जो है पॉल्यूशन को लेकर डेडलाइन जो है जारी होती है कि आज पॉल्यूशन का स्तर ये है, आज वो स्तर है, लेकिन पॉल्यूशन के स्तर को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे, जिसका फायदा जो है ग्रामीण इलाके और शहरी इलाकों में जो है लोग उठा रहे हैं और खुलेआम जो कूड़े के ढेर हैं उनमें जो है आग लगा रहे हैं। सूचना मिलने के बावजूद भी प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी और कर्मचारी इस कबाड़ को जो है आग को जो है बुझाने के लिए नहीं पहुंचा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पॉल्यूशन विभाग के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन कितना जो है बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर चिंतित है। पूजा, बिल्कुल, ताहिर, लोग शिकायत तो करते हैं कि सरकार या प्रशासन सचेत नहीं, लेकिन लोग भी कितने जागरूक हैं, सवाल यही है ताहिर, क्योंकि लोग खुद कूड़ा इकट्ठा करके कूड़ा जलाते हैं और जब इत्तला प्रशासन तक पहुंचती है प्रशासन भी आंखें बंद करके बैठा हुआ है, यानी समस्या जस की तस बनी रहेगी। बिल्कुल पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन के साथ साथ लोगों को समझना पड़ेगा कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जो पॉल्यूशन है वो इस स्तर पर पहुंच चुका है कि लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मौत की कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन उसको देखते हुए उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। घर के बाहर जो पॉल्यूशन एकत्र हो जाता है या बड़े बड़े जो कबाड़ के गोदामों पर कबाड़ जो इकट्ठा है उसमें जो है आग लगा दी जाती है, जिससे लगातार जो गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली के एनसीआर का जो एरिया कहा जाता है उसमें जो है पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी अब समझना पड़ेगा कि अगर खुले में ऐसे पॉल्यूशन को बढ़ावा दिया जाता रहेगा तो जिले का जो स्तर पॉल्यूशन का स्तर है वो लगातार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई लोगों के ऊपर नहीं होगी, तब तक लगता है कि लोग जो है सुधरने वाले नहीं है। पूजा,